CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस लेक्चर नंबर 17 वेब पेज डेवलपमेंट। तो इसके हम जो मॉड्यूल्स कवर करेंगे वो होंगे 230 to 234। ये हमारा लास्ट लेक्चर होना है CS101 का, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस का। ये लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट है, यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू दिया गया कि वेब डेवलपमेंट या फिर वेब पेज डेवलपमेंट क्या चीज़ है, ठीक है। और इसका बेसिक है, कुछ एलिमेंट यहाँ पे बताए गए थे आपके हैंडआउट्स में, व्यू के ऑफिशियल में, तो कुछ एलिमेंट उसमें से मिस थे जो इंपॉर्टेंट थे, तो वो भी मैंने अपनी साइड से आपको ऐड कर दिया ताकि आपको आगे फिर इनका पता हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वेब पेज क्या होता है? बेसिकली एक वेब पेज नथिंग मोर देन ए फाइल, HTML फाइल टू बी एग्जैक्ट, इस कॉल्ड HTML बिकॉज वेब पेज डॉक्यूमेंट हैव द फाइल एक्सटेंशन .html और .htm। बेसिकली क्या है? और कुछ नहीं है, जो वेब पेज है और कुछ नहीं है, जस्ट एक फाइल है। ये जो फाइल होती है ये HTML की फाइल होती है। इसको हम HTML की फाइल क्यों कहते हैं? जो इसकी एक्सटेंशन होती है वो .html या .html होती है। और अब आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, ये आपका आई थिंक नोट्स में भी मेंशन नहीं था, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ये HTML के कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ नोट्स में आपके प्रोवाइड किए गए थे, तो कुछ हमने अपने पास से किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे। ये HTML का टैग है, ये बेसिकली यूज़ होता है आपका जहाँ से HTML का डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है और जहाँ पे एंड होता है। तो हर टैग जो होता है वो एक उसका टैग होता है, ओपनिंग टैग ये है और क्लोजिंग टैग ये है, ठीक है। तो इसके दरमियान जितना डेटा आएगा वो इसके टैग के अंदर आएगा। तो कुछ टैग ऐसे होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, जिनको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अब HTML का टैग है, इसको हमने ओपन किया फिर हमने क्लोज भी किया। बॉडी का टैग है, इसके अंदर हमारा सारा बॉडी का डेटा आएगा। इसके अलावा एक और हमारा होता है हेड का टैग होता है, उसके हमारे हेड के डेटा आते हैं, उसके अंदर लिंक्स और मेटा टैग्स आते हैं, जितनी भी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। और वो जब आप प्रोफेशनली वेब डेवलपमेंट करोगे तो उसमें आप सीखोगे। यहाँ पे जस्ट बेसिक से बताए गए हैं। और H1 है, H6 तक ये हेडिंग्स होती हैं, पैराग्राफ है, टेबल है, और ये UL टैग है, OL टैग है। UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट एंड OL स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो बेसिकली आपके हैंडआउट्स में जस्ट ये कुछ एलिमेंट बताए गए थे और उनकी भी कोई एग्जांपल्स प्रैक्टिकली नहीं थी ज़्यादा, तो आपको जस्ट थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। HTML टैग का, उसके अंदर हम बॉडी का टैग लगा देंगे, कुछ हेडिंग्स बना देंगे, पैराग्राफ भी हम बना देंगे, टेबल्स और OL UL हम बना देंगे, और फिर उस पेज को हम रन भी कर देंगे और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे इसमें बेसिकली सिर्फ यही है कि वेब पेज क्या होता है, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है। इसमें से यही डेफिनेशन आ सकती है कि वेब पेज क्या है, या फिर HTML स्टैंड फॉर बेसिकली, या HTML की एक्सटेंशन क्या होती है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो .html या .htm, और उसका स्टैंड फॉर क्या होता है, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये हमारी HTML की कुछ कोडिंग है, ये हमारा वो पेज है जिस पे हमने HTML की कोडिंग की है। इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा यहाँ पे वो पेज लोड हो जाएगा। अगर हमने रिफ्रेश किया है तो यहाँ पे हमारी हेडिंग्स आ चुकी हैं, वेब पेज हेडिंग्स। ये हमारी हेडिंग 1 है, तो ये है हमारी, फिर नीचे 2, 3, 4, 5 एंड 6 तक। ये इस तरह 2 है, 3, 4, 5 और ये 6। सबसे जिसका फॉन्ट साइज ज़्यादा होता है हमारा, मतलब उसका टेक्स्ट का जो साइज़ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, वो हमारा होता है H1। फिर उससे कम H2, 3, 4, 5, 6 तक हमारी हेडिंग्स जाती हैं। इसके बाद हमारा पैराग्राफ होता है, हम वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
करते हैं, हम अपना पेज रिफ्रेश करते हैं, ये जो हमारी लिस्ट है ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट जो कि बनी है यूएल के टैग से, ये वाली नीचे है हमारी ऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर हमारी ये ऑर्डर लिस्ट है। इस ऑर्डर में क्या होते हैं, हमारा ऑर्डर होता है 1, 2, 3, 4, 5। अनऑर्डर में हमारे जस्ट पॉइंट होते हैं, नंबरिंग नहीं होती, ये डिफरेंस है। इसके अलावा हम टेबल यहाँ पर बना सकते हैं, और टेबल के अलावा यहाँ पे होता ही थिंक हमने कोई ऐसा टैग नहीं छोड़ा, लेकिन अभी हम यहाँ पे टेबल नहीं बनाते क्योंकि ये बेसिकली हमने लेक्चर्स को शार्ट रखना है। ये चीज़ आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं आनी, जस्ट आपको कुछ ना कुछ पता होनी चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें आ सकती हैं, HTML टैग और ये जो टैग आ सकते थे मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके बता दिया है। और अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे फॉन्ट साइज़ किस हेडिंग का ज़्यादा होता है, तो यहाँ से आप देख सकते हो H1 का, सबसे कम किसका होता है H6 का, UL और OL में क्या डिफरेंस है, यहाँ से आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आपके हैंडआउट्स में हमारा लास्ट लेक्चर है वेब पेज डेवलपमेंट का, वो आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि वेब पेज क्या है। उसको ये बेसिकली HTML फाइल होती है, उसको हम HTML फाइल ही क्यों कहते हैं, या फिर क्योंकि इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो .html या .htm होती है, वो HTML स्टैंड पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो मैंने सब चीज़ें भी आपको रिवाइज करवा दी हैं दोबारा से। और वेब डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत अच्छी फील्ड है, अगर आप आगे फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं और घर बैठ कर आप अच्छे नहीं करना चाह रहे हैं, और अगर आप वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो जैसे हमारे बेसिक कंप्यूटर कोर्स हैं, हमारे बेसिक टू एडवांस MS ऑफिस के कोर्सेज हैं, हमारे टाइपिंग के कोर्सेज हैं, उसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कोर्स हैं, इस तरह हमारे वेब डेवलपमेंट के भी कोर्सेज हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के भी कोर्सेज हैं। तो हमारी सेम वेबसाइट पे जो कि यहाँ पे नीचे लिंक भी होगा www.courses.brainlogic.com, इस पर डिटेल्स मेंशन है। कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ये कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं विद सर्टिफिकेशन, तो आप वहाँ पे जाकर अपना अकाउंट बनाएं, वहाँ पे जो आपको असाइनमेंट क्विज़ दी जाएंगी प्रैक्टिकली, वहाँ पे आपको फुल वेब डेवलपमेंट सिखाई जाएगी, साथ में प्रैक्टिकल एग्जांपल चीज़ें भी दी जाएंगी, एक्टिविटीज़, असाइनमेंट क्विज़, GDPs, आपको लेक्चर वाचिंग करनी होगी। जब आपकी एक्टिविटीज़ कम्प्लीट हो जाएंगी देन आप अप्लाई फॉर सर्टिफिकेशन कर सकते हो, और आपको सर्टिफिकेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ई सर्टिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसके अलावा ये पूरी जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है CS101 की, हमारा मेन मकसद ये था कि जो ये मॉड्यूल्स हैं CS101 के अंदर 1, 2, 2, 34, ये स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कि इतने मॉड्यूल्स हैं, किस मॉड्यूल में क्या चीज़ है, कवर नहीं होती। तो हमने इन मॉड्यूल्स को लेक्चर वाइज किया है, एक लेक्चर में हमने एक चीज़ सेलेक्ट की है, जितने भी मॉड्यूल्स रिलेटेड होते हैं फॉर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जितने भी मेथड्स थे, उसके अलावा अब ये वेब डेवलपमेंट है, इसके पीछे हमने जो चार मॉड्यूल्स कवर किए हैं वो MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल एक्सेस का, उसके अलावा बेसिक कंप्यूटर का था, जितने भी हमने मॉड्यूल्स सेम होते थे, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जितने भी मॉड्यूल सेम होते थे, हमने उसको एक लेक्चर में कवर कराया है ताकि स्टूडेंट के लिए कन्फ्यूजन ना हो बल्कि इजी से इजी हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये प्लेलिस्ट, हमारी ये कोर्स CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस का अच्छे से समझ भी आया होगा, और इसको अपने फ्रेंड से ज़्यादा शेयर करें। सो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और कोर्स में किसी और वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।